Bon. स्वागत है भोगा इसकी इस वीडियो में। दोस्तों, युवराज सिंह के रिटायरमेंट के बाद इंडियंस फैंस के लिए एक और बुरी खबर निकल कर आ रही है कि पिछले गेम में जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया खेल रही थी वर्ल्ड कप में, उसमें शिखर धवन ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, शतक भी बनाया और उसी मैच में उन्हें अंगूठे में चोट लगी जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप से 3 हफ्तों के लिए बाहर हो चुके हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कौन रिप्लेस करेगा आखिर शिखर धवन को 3 हफ्तों के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए अंगूठे में चोट के कारण 3 हफ्तों के लिए वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो चुके हैं, यानी कि 3 हफ्तों तक हमें वो इंडियन टीम में दिखाई नहीं देंगे। और इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि आगे आने वाले 5 मैचों में शिखर धवन खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। शिखर धवन आगे आने वाले 5 मैचों यानी कि 13 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं 22 जून को अफगानिस्तान के खिलाफ, 27 जून को वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 30 जून को महामुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ये 5 मैचों में शिखर धवन इंडियन टीम को मिस करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिखर धवन के लिए रिप्लेसमेंट बुलाया जाएगा, यानी कि उनके बदले किसी और खिलाड़ी को टीम में लाया जाएगा रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो दोस्तों, अभी तो 13 जून को जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम का मुकाबला होने वाला है उसमें केएल राहुल ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे और मिडिल ऑर्डर में विजय शंकर या फिर दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आगे जाकर शिखर धवन का रिप्लेसमेंट बुलाया जा सकता है और उनका रिप्लेसमेंट के लिए हमें चॉइस मिलता है ऋषभ पंत का, वहीं श्रेयस अय्यर का और जिनके रहने का। तो ये 3 खिलाड़ी में से कोई एक खिलाड़ी शिखर धवन के रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकता है। लेकिन अगर शिखर धवन के रिप्लेसमेंट के तौर पर इनमें से कोई एक खिलाड़ी आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि शिखर धवन पूरा वर्ल्ड कप को ही मिस कर जाए और फिर रिप्लेसमेंट प्लेयर ही शिखर धवन की जगह पूरा वर्ल्ड कप खेलता हुआ दिखाई दे। यहीं अगर बात करें रिप्लेसमेंट की तो सबसे बेस्ट चॉइस अभी दिखाई दे रही है ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत एक फ्लेक्सिबल प्लेयर है, वो नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं, नंबर 4 में भी और नंबर 7 तक भी वो खेल सकते हैं। तो वहीं केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं और ऋषभ पंत नंबर 4 पर भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऋषभ पंत का एक बहुत अच्छा चॉइस है इंडियन टीम के पास। अगर रिप्लेसमेंट लेना होगा शिखर धवन का तो ऋषभ पंत ही बेस्ट रिप्लेसमेंट रहेंगे शिखर धवन के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।